नमस्कार, मैं हूं कांता गर्ग। आज हम बनाएंगे ब्रेड पेटीज। ब्रेड पेटीज बनाना बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए हमें ये सामान चाहिए। ये हमने सामान लिया है, हमने दो उबले हुए आलू लिए हैं जिसको हमने छील लिया है। ये हमने चार ब्रेड लिए हैं। ये हमने मैदा लिया है एक बाउल, 100 या 150 ग्राम के करीब मैदा है। ये हमने मटर लिए हैं, मटर के दाने जो हमने छील लिए हैं, छील के उबले हुए दाने। ये रिफाइंड ऑयल, कसूरी मेथी, और इसमें डालने के लिए मसाले, ये धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा, नमक, गरम मसाला, अजवाइन और हल्दी पाउडर। ये हमारी हींग और ये बेकिंग पाउडर। सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें गैस ऑन करेंगे और हम इसकी आलू की पिट्टी तैयार करेंगे। इसमें हम लगभग 1 से 1.5 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। हम गर्म होने रख देंगे और ये आलू हमें इस तरह से मोटे मोटे फोड़ लेने हैं। हमको इनको बहुत बारीक नहीं करना है, क्योंकि इसमें पेटीज में भरने के लिए हमें आलू की पिट्ठी बना रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। जिस तरह से हम समोसे के लिए पिट्ठी बनाते हैं, उसी तरह हमें ये पिट्ठी बनानी है पेटीज के लिए। इसमें आप चाहें हरा धनिया, हरी मिर्च ये भी काट के डाल सकते हैं। और प्याज भी डाल सकते हैं, अगर आप प्याज खाते हैं, प्याज पसंद है तो प्याज भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये कसूरी मेथी डाल देंगे और आधे छोटी चम्मच जीरा, हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच गरम मसाला, चौथाई चम्मच अमचूर पाउडर। ये हम भूनते टाइम ही डाल लेंगे और इन मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। ये हम इसमें मटर के दाने डाल देंगे। इसमें आलू डाल देंगे। देखिए इस तरह से आलू को तोड़ना है। और इनको हम लगभग 2 मिनट भून लेंगे। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। गैस मीडियम रखेंगे हम और मीडियम गैस पे हम चलाते हुए इस तरह से आलूओं को भून लेंगे। इधर हम आलू भून रहे हैं, इधर हमारे आलू भून रहे हैं, ये पिट्ठी भून जाएगी और गैस सिम करेंगे। और इधर हम आइए ये मैदा लगा लेते हैं पेटीज बनाने के लिए। ये हमने मैदा ली है, इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। मैंने आधा चम्मच नमक डाला है और इसमें चौथाई चम्मच अजवाइन के दाने। इसमें लगभग ये 3 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल, ये देखिए ये हमारा 3 चम्मच ही बना है। अब हम इसका ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मुलायम भी नहीं और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं, हमें आटा लगाना है बीच बीच में। देखते हैं, हम अपनी पिट्ठी देख लेते हैं। हमारी पिट्ठी बन चुकी है, हम इसे
गैस से हटा देते हैं। अब हम इस पर रिफाइंड ऑयल कढ़ाई एक कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे ये पेटीज तलने के लिए, और गैस मीडियम रख देंगे ताकि घी गर्म हो जाए। इसमें हमें आधी चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर। इसका आटा लगाएंगे, आटा गूंथ लेंगे और इसमें पहले हाथ से इसे इस तरह से मल लेंगे, मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगाएंगे। देखिए अब हमारा आटा लग चुका है, ये देखिए बहुत ज़्यादा मुलायम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना है। इस तरह से हमें आटा गूंथना है। अब हम इसको हाथ से मसल कर चिकना कर लेंगे। देखिए देखिए हमारा आटा चिकना हो चुका है। अब हम थोड़ा सा ऑयल यहाँ पे रखेंगे, इसको हम बेलेंगे स्लिप पे या चकले पे, और थोड़ा सा ऑयल हम ये बेलन पे लगाएंगे ताकि ये हमारे बेलते टाइम चिपके ना। ये हम अब हम इसकी दो लोइयां बनाएंगे से। हम अच्छे से हमें गोल गोल लोई बना लेनी है इसकी, याद रहे इधर उधर से कहीं से आटा फटे ना। और हमें इसको बेल लेना है, पतला पतला बेलना है। अब हमें इसमें से ये कट करना है। ये देखिए हमने इस तरह से बेल लिया है, ये चौको कट करना है। और ये ब्रेड लेंगे, हम ब्रेड कट कर लेंगे इस तरह से। ये हमने ब्रेड कट कर लिए हैं। अब हम एक ब्रेड रखेंगे यहाँ पे और अब हम इसमें अपने जो हमने पिट्टी तैयार की थी वो लगा देंगे, हाथ से इस तरह से फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर दूसरा ब्रेड लगा देंगे, हमने इस पर लगा दिया है। अब हम इसको चारों तरफ से पानी लगाएंगे ताकि हमारा ये चिपक जाए, आटा अच्छे से चिपक जाए। और अभी हम इसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से। हमें अच्छे तरह से ये अच्छे से बिल्कुल अच्छे से चिपका देना है। देखिए ब्रेड को हमें चारों तरफ से अच्छे से चिपका देना है। ये देखिए हमने इसको अच्छे से चिपका दिया है। अरे हम दूसरी पेटीज बनाएंगे और ये सारी पेटीज इसी तरह बना लेंगे। ये देखिए हमें इस पे ब्रेड रखना है और इस पे ये पिट्ठी लगानी है। थोड़ा हमें हाथ से इसमें पानी लगाएंगे और ये हम इस पर चिपका देंगे। चारों तरफ हम इसके पानी लगाएंगे। चलो ऐसे करेंगे।
ये, और इसी तरह हम सारी पेटीज बना लेंगे। ये देखिए, हम पेटीज को इस तरह से भी बना सकते हैं दो पीस कट करके। अब हम साबुत ब्रेड की भी पेटीज बना सकते हैं। हम एक लोई बनाएंगे, को हम पेटीज को कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरह से हम एक लोई लेंगे और इसको भी पतला पतला बेल लेंगे। टेस्ट दोनों का एक जैसा आएगा और जो आपको आसान लगे वो बना सकते हैं। हमने पतला पतला बेल लिया। अब हम इस पर साबुत ब्रेड रखेंगे इस तरह से और इस पर पिट्ठी भरेंगे। इसमें इसको अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। ये हमने इस पर पिट्ठी फैला ली है। अब हम इस पर दूसरा ब्रेड रखेंगे इस तरह से और इस पर चारों तरफ पानी लगा लेंगे इस तरह से। हम हमने पानी लगा लिया है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अब हम देखिए इस तरह से हमें बंद करना है ब्रेड को। देखिए हमें ब्रेड को बंद करना है। यहाँ पे थोड़ा पानी लगाएंगे और ये हिस्सा भी हम फोल्ड कर देंगे। इस तरह से आटे को हम खींचते हुए इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। तरह से भी हम बना सकते हैं। अब हमने सारी पेटीज बना ली हैं। हम इस तरह से बनाएं या इस शेप में बनाएं, कोई भी शेप हम अपनी पेटीज को दे सकते हैं। हमारा देखिए पैन गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके पेटीज फ्राई करेंगे। गैस हमें सिम रखनी है, गैस हमें मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है। और सिम गैस पे हम इनको फ्राई करेंगे पलटते हुए इस तरह से। इसी तरह हम इन सारी पेटीजों को फ्राई कर लेंगे। बहुत आराम से हमें इनको फ्राई करना है। ये देखिए हमारी ये पेटीज ब्राउन होने तक हमें सेकनी थी ना, तो ये हमारी पेटीज फ्राई हो चुकी हैं। देखिए अब हम इनको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल ऑब्जर्व हो जाए इसमें। इसी तरह अब हम ये दूसरी पेटीज भी फ्राई कर लेंगे। इसको भी हमें मीडियम गैस पे ही फ्राई करना है पलटते हुए। ये देखिए अब हमारी पेटीज ये भी सूख चुकी है और अब हम इसे गैस बंद कर देंगे
और टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। कितना अच्छा कलर आ रहा है। और इसे भी हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। एक हमारी इस शेप में और इस शेप में, दो शेप में हमने पेटीज बनाई हैं। हम इसको कट कर सकते हैं। ये हमने इस तरह से हमने पेटीज को कट कर लिया। हमने पेटीज को कट कर लिया। कितनी क्रिस्पी और कितनी अच्छी पेटीज बनी है ये देखिए। अच्छा, ये देखिए अब हमारी ब्रेड पेटीज बनकर तैयार। आप इन्हें केचप के साथ खाइए, ग्रीन चटनी के साथ खाइए और ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। अगर मेरी ब्रेड पेटीज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।